नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी एस फाइन सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपने टी जी टी आर्ट की तैयारी में व्यस्त होंगे। आप टी जी टी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं और करते रहिएगा मित्रों, बहुत जल्द उम्मीद है कि पेपर की डेट आपके बीच आ जाएगी। आज है 28 जुलाई और 28 जुलाई को हम लोग फाइनली क्या देखने वाले हैं, टॉप 21 क्वेश्चंस का एक रिवीजन देखने वाले हैं, जिसमें आपको कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। जैसे स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है, बेलन छपाई विधि या फिर सिलेंडर प्रिंटिंग, इसका जो आविष्कारक है वो कब और कौन था? नाम 1785 में बेल ने किया था, 1440 में जान बेटन बॉय ने किया था, 1450 में जान गुटेनबर्ग ने किया था या फिर इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा जा रहा है बेलन छपाई भी थी या फिर सिलेंडर प्रिंटिंग भी थी। अब बेलन शब्द से वेल आंसर्स लगाइएगा, 1785 वेल आंसर्स बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगेगा। आगे चला जाएगा तो दो नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है, आपसे पूछा जा रहा है मित्रों घनवाद का प्रथम चित्र किसका था? नाम मुंह का है, पिकाशो का है, रूओल का है और ब्राक का नाम दे दिया गया। घनवाद का प्रथम चित्र किसका रहा है आपसे पूछा जा रहा है। अगर घनवाद की पहली रचना की बात आती है तो पाब्लो रुई पिकाशो आंसर्स है, सही जवाब सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। अगला क्वेश्चन 78 नंबर आता है, गीजा यानी मिस्र, मिस्र में स्थित ग्रेट पिरामिड है, ग्रेट पिरामिड जो चूना पत्थर से निर्मित है उसकी ऊंचाई पूछी गई है, 500 फीट है, 480 फीट है, 520 फुट है या फिर 450 फीट है। ग्रेट पिरामिड जो आपके मिस्र में है गीजा में, उसका फाइनली हाइट आपसे पूछा जा रहा है मित्रों। जब हाइट की बात आएगी तो यहाँ 450 फीट आंसर्स बनता है, डी के साथ आपको सही जवाब लगाना पड़ता है। और आगे बढ़ते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है थ्री क्रूसेज किस कलाकार की प्रसिद्ध एचिंग पेंटिंग है? नाम पिकासो का है, रेम्ब्रांड का है, वन गो का है और गोया का नाम दिया गया। दी थ्री क्रूसेज की अगर बात करते हैं तो दी थ्री क्रूसेज जो रचना है फाइनली पेंटिंग है, ये रेम्ब्रांड के द्वारा एचिंग पेंटिंग बनाई गई है, तो राइट आंसर्स आप शी के साथ लगा लो मित्रों, शी इज द राइट आंसर्स बनेगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 80 नंबर आएगा, पूछा गया सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की ख्याति दिलाने का श्रेय किसे है? माइकल एंजेलो को है, मैरिलिन मोनाली को है, एंडी वारहोल को है, मेरी कैरेंटा केंट को है। आपसे पूछा गया सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की ख्याति दिलाने का श्रेय किसे जाता है, तो सिल्क की जो स्क्रीन प्रिंटिंग है उसका जो ख्याति फाइनली दिया गया वो एंडी वारहोल के द्वारा दिलाया गया। राइट आंसर आप एंडी वारहोल लगा लो। और आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला क्वेश्चन आएगा 81 नंबर होगा, कौन सा नंबर होगा 81, आपसे कह रहा है लेडी विद अरमाइन, लेडी विद अरमाइन जो आयलान वुड पैनल पेंटिंग है ये किसकी है? नाम पिकाशो का है, लियोनार्डो द विंसी का है, माइकल एंजेलो का है और गोया का नाम दिया गया। लेडी विद अरमाइन की अगर बात करते हैं तो लेडी विद अरमाइन वाली जो रचना है ये रचना आपके फाइनली लियोनार्डो द विंसी की है, तो आप जो राइट आंसर्स लगाइएगा वो सी के साथ लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर्स हो जाएगा। आगे चला जाएगा, 82 नंबर आता है, आपसे क्या कह रहा है 82, कह रहा है मित्रों कुम्हार के चाक का प्रयोग जो है वो कौन सी सभ्यता में हुआ? नाम इजिप्ट की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है और चीनी सभ्यता का नाम दिया गया। आपसे कुम्हार के चाक के बारे में पूछा गया सबसे पहले कहाँ देखा गया, तो कुम्हार का चाक का जो पहला उपयोग है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता में है, विश्व लेवल पर मेसोपोटामिया की सभ्यता में सबसे पहले उपयोग हुआ है। और आगे बढ़ो, 83 नंबर पे क्वेश्चंस कह रहा है जिन्हें स्क्रीन प्रिंटिंग्स में काम किया, जिन्होंने स्क्रीन प्रिंटिंग में काम किया, क्या उनका नाम एंडी वारहोल है, क्या ब्लैक्स ब्लोलेक्स है, लेब रियोन है या फिर उपरोक्त तीनों में से, जिन्होंने स्क्रीन प्रिंटिंग में काम किया है। अब स्क्रीन प्रिंटिंग में काम करने का जिन्हें श्रेय प्राप्त है वो तीनों नाम है, तो राइट आंसर्स जो लगाना मित्रों वो आपको डी के साथ यहाँ वो लगा करना पड़ेगा, डी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली लगाना पड़ेगा। और आगे चलेंगे, 84 नंबर क्वेश्चन आता है, कह रहा है मार्वल स्टैचू डेविड, डेविड जो कि माइकल एंजेलो की रचना है को बनाया गया है, नूड आकृति में विद अर्नामेंट में, सेमी नूड में या फिर उनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा गया जो डेविड है वो रचना किस मीडियम में बनाया गया, तो नूड आकृति है, आप राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है सेंट पीटर्स बेशेलिका यानी वेटिकन सिटी में स्थित है, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित है पिएटा, पिएटा स्थापत्य का निर्माण क्या करारा मार्बल से हुआ है, क्या पिंक मार्बल से हुआ है, रेड मार्बल से हुआ है या फिर ब्लैक मार्बल से हुआ है। पिएटा के बारे में पूछा गया जो माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित है,
मित्रों इसका जो निर्माण होता है वो करारा मार्बल से हुआ है, तो कराला वाला संगमरमर आपका लगा है। राइट आंसर आप फर्स्ट के साथ लगा लो। आगे चला जाएगा 86 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपसे कह रहा है विश्व में वर्णमाला का सर्वप्रथम प्रयोग किस संस्कृति में हुआ है? नाम मेसोपोटामिया का है, हिम्मुराबी का है, फिनिशिया का है और चीनी का नाम दे दिया गया। विश्व में वर्णमाला का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो कौन सी संस्कृति में हुआ आपसे ये पूछा गया, और जब उस संस्कृति की हम बात करते हैं तो फिनिशिया आंसर्स बनता है। क्या बनता है? फिनिशिया। तो राइट आंसर्स हम बी के साथ लगाएंगे, बी इज़ द राइट आंसर्स बनेगा। आगे चलेंगे 87 नंबर क्वेश्चन आएगा, कह रहा है किस सभ्यता के निवासी एक छोटी कील से गीली मिट्टी के फसलों पर अक्षर उकेरते थे जिसे कीलाक्षर कहा जाता था। अब कीलाक्षर कौन से सभ्यता के निवासी उपयोग करते थे उकेरते थे, मिस्र वाले, सिंधु वाले, मेसोपोटामिया वाले या फिर चीनी सभ्यता वाले? आपको बताना है कहाँ के लोग करते थे। तो मित्रों याद रखना कीलाक्षर की जो फाइनली लिपि है वो मेसोपोटामिया के लोग करते थे। राइट आंसर हमें बी के साथ देना है और बी इज़ द राइट आंसर लगा लेना है। आगे चलें 88 नंबर क्वेश्चन आता है, गोथिक शैली का जो जन्म है 12वीं सदी के मध्य फ्रांस में हुआ, इसका उद्भव किस शैली में हुआ है? नाम ग्रीक का है, बाइजेंटाइन का है, रोमनस का है और रोकोको का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है गोथिक शैली का जो जन्म है 12वीं सदी के आसपास कहाँ पे होता है, तो नाम दिया जाएगा कि रोमनस के अंतर्गत आता है। तो बी के साथ आपको सही जवाब लगाना पड़ता है। 89 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो आपसे 89 नंबर क्या कह रहा है, एशियाई कला उधारणा की शुरुआत किसने की? ई वी हेवेल ने की, एकेश कुमार स्वामी ने की, भगिनी निवेदिता ने की या फिर कोकोआरा के द्वारा किया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है एशियाई कला उदाहरणा। मित्रों अगर एशियाई कला उदाहरणा के उद्घाटन की बात करते हैं या फाइनली शुरुआत की बात करते हैं कौन करता है, तो आपको कहना पड़ेगा कोको ओंका पूरा। राइट आंसर आपको डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर फिलहाल लगाना है। और आगे चला जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन आता है, कह रहा है अद्वैत गणनायक किस रूप में प्रसिद्ध है? नाम मूर्तिकार का है, छायाकार का है, चित्रकार का है और छापाकार का नाम दे दिया गया। अद्वैत गणनायक के बारे में पूछा जा रहा है, इनकी प्रसिद्धि किस रूप में है? तो एक प्रख्यात मूर्तिकार है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगा लेना मित्रों। आगे चलेंगे 91 नंबर क्वेश्चन आएगा, पूछा गया आर्य ने किस धातु की खोज की थी? नाम दे दिया गया धातु में कि तांबा खोजे, कांसा खोजे, पीतल खोजे या फिर लोहा खोजे। आर्यों ने कौन सी धातु खोजी थी? तो आर्यों ने जो महत्वपूर्ण धातु खोजी थी मित्रों वो धातु आपकी लोहा है, आज सबसे आज आप प्रचलित है। राइट आंसर आप डी के साथ लगा लो। और आगे चला जाए तो 92 नंबर क्वेश्चन आता है, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ? नाम शुमेर का है, हिब्बुराबी का है, बेबीलोन का है और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। मेसोपोटामिया सभ्यता का जो विकास है वो सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ आपसे पूछा गया, तो मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास बेबीलोन में हुआ है। राइट आंसर बेबीलोन लगा लो, बी इज़ द राइट आंसर बना लो। और आगे चलें तो अगला क्वेश्चन अपना 93 नंबर आता है, आपसे पूछा जा रहा है मित्रों राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पे जहांगीर और शाहजहांकालीन मुगल प्रभाव देखने को ज़्यादा मिलता है? आपसे पूछा गया कोटा बूंदी में ज़्यादा मिलेगा, उदयपुर में ज़्यादा मिलेगा, किशनगढ़ में ज़्यादा मिलेगा या फिर जयपुर में ज़्यादा मिलेगा? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जहाँ शाहजहाँ और जहांगीर के काल की चित्रकला का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है? तो फाइनली जयपुर शैली है, जयपुर शैली वही ढूंढार बेल्ट वाली। राइट आंसर्स आप डी के साथ लगा लो, डी इज़ द राइट आंसर्स बन जाएगा मित्रों। और आगे चलेंगे 94 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपसे कह रहा है प्रोफेसर श्याम शर्मा की ख्याति किस रूप में है? नाम छापा कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, छायाकार हैं? प्रोफेसर श्याम शर्मा की बात हो रही है और श्याम शर्मा जिस रूप में प्रसिद्धि है मित्रों वो छापा कलाकार के रूप में है। तो आप अगर सही जवाब लगाइएगा तो फर्स्ट के साथ बनाइएगा, ए इज़ द राइट आंसर बनेगा। 95 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, कह रहा है राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं? नाम बूंदी का है, किशनगढ़ का है, नाथद्वारा का है, जयपुर का नाम दिया गया। राजस्थान के पिछवाई चित्र कौन से क्षेत्र में आते हैं? तो पिछवाई चित्र मित्रों वही जहाँ श्रीनाथ जी की मूर्ति है उसके पीछे पिछवाई रचना है, आप जानते हैं जैसे दुर्गा पूजा में दुर्गा जी के पीछे पिछवाई रचना होती है, तो ऐसे बड़े पैमाने पे नाथद्वारा शैली में ऐसी रचनाएं हुई हैं। बी के साथ आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 96 नंबर है, कह रहा है किस मशहूर कार्टूनिस्ट ने 26 जनवरी 2015 को पुणे में 94 ईयर की आयु में अंतिम सांस लेता है यानी निधन हो जाता है? पूछा गया बाल ठाकरे का निधन हुआ 2015 में 26 जनवरी के दिन,
आर एस गवाई का हुआ है, आर के लक्ष्मण का हुआ, या फिर एडवर्ड बुक का नाम दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है वो महान कलाकार कौन है जिसका निधन 26 जनवरी 2015 को 94 वर्ष की आयु में होता है। मित्रों प्रख्यात कार्टूनिस्ट हैं और कार्टूनिस्ट के रूप में आप जानते हैं आर के लक्ष्मण इसमें से ज़्यादा फेमस नाम है। फिलहाल बाल ठाकरे भी एक अच्छे कार्टूनिस्ट रहे हैं, लेकिन यहाँ जो आपका राइट आंसर बनेगा वो आर के लक्ष्मण के साथ बनेगा। तो सही जवाब आपको बी के साथ लगाना है, बी इज़ द राइट आंसर फिलहाल अभी बना लेना है। तो मित्रों आप क्लास तो कंप्लीट होती है, 21 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, आपके स्कोर क्या हैं ईमानदारी के साथ बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सकें।